मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज है दिवाली की सुबह। दिवाली इस बार शनिवार को आई है, जो कि बहुत अच्छा है। और उठते ही पति की फरमाइश आई हलवा पूरी और आलू या चने। सो मैंने सोचा कि यार हस्बैंड की फरमाइश को मैंने सोचा कि आलू पूरी बनाना आसान है, बना लेते हैं। और वैसे बहुत बार हमारे साथ होता है कि आलू पूरी खा के फिर सारा दिन हम कुछ और नहीं खा पाते। सो यस, इसी तरह हमारी दिवाली की सुबह शुरू होगी और बनाएंगे पति के लिए आलू हल्दी। सो यस, ऑलराइट, दिन की शुरुआत करने वाले हैं हम आलू पूरी बनाने से। उसके लिए मैं आलू को बॉईल कर लूँगी माइक्रोवेव में। सो बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ 3 आलू यूज़ कर रही हूँ ताकि लेफ्ट ओवर नहीं बचे, क्योंकि बासा फूड हर बार अच्छा नहीं लगता। कोई कोई चीज़ें अच्छी लगती है, हर बार नहीं अच्छी लगती। ऑलराइट, सो माइक्रोवेव में आलू बॉईल करने से मेरा मतलब है कि मैं उनको अच्छी तरह पील कर लेती हूँ। देन ये ग्लास के जग में उनको छोटे पीसेस में काट के पानी, थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लेती हूँ। सो बहुत ज़्यादा ईजी है, परांठे के लिए भी मैं ऐसे ही करती हूँ। अब हम पूरी का आटा गूंद लेंगे। वो आटा थोड़ा स्पेशल होता है, मैं रेगुलर आटे से पूरी नहीं बनाती, तभी वो बहुत अच्छी फ्लफी बनती है। इसमें 3 हिस्से आटे के हैं एंड 4th हिस्सा है मैदे का। इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, थोड़ा सा घी या एक्चुअली मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, एंड देन थोड़ा सा पिंच बेकिंग सोडे का। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे गूंद लेंगे। गूंदने के लिए क्या है कि हमको इस आटे को हार्ड रखना है, लाइक जितना हार्ड होगा उतना ही पूरी को बेलना आसान होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी पूरी बनती है। सो इसे गूंदना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं होता है, पर या कोशिश कर दें। काफ़ी समय लगेगा मुझे गूंदने के लिए, पर हम गूंद लिया मैंने। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि ये और अच्छा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाए। और दूसरी तरफ हम तैयारी शुरू करेंगे हलवे की। हलवा एक्चुअली मैं मेजर करके बनाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा खाते नहीं हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा बन जाता है और वो नहीं मुझे सही लगता। हलवे को मेजर करके उसकी सारी इंग्रेडिएंट्स, पानी, शुगर एंड नट्स, वो सारा मैं एक साइड पर रख लूँगी ताकि हलवा बनाते हुए काली ना हो, लाइक भाग दौड़ नहीं हो कि ये करो ये करो। नट्स को मैंने चॉप कर लिया है, जो आलमंड्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो आलमंड्स मैंने एक रात पहले भिगो के रखे थे, वो वाले हैं, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं हलवे में, रॉ से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी मैं किशमिश भी डालने वाली हूँ एंड सुल्तानास। अब हम आलू की खट्टी सब्जी की तैयारी करेंगे। इसमें मैं सिर्फ ऐड करूँगी टमाटर, हरी मिर्ची एंड जिंजर, दैट्स इट। कोई अनियन नहीं डाल रही हूँ, कोई गार्लिक नहीं डाल रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा इजी एंड डिलिशियस बनते हैं। सो ऑलिव ऑयल मैं कुक करूँगी अगेन से। इसमें मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, देन मैं ये टमाटर का मिक्सचर डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह कुक करेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। देन इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे, पर जब तक ये कुक हो रहा है उसी समय मैं साइड पे कुक करने वाली हूँ हलवा, ताकि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए और हम जल्दी खा लें। हलवे के लिए मैं देसी घी यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैंने घर में बनाया है। वो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, वो किसी व्लॉग में उसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें मैं अब सूजी को डाल के, रवा, इसको डाल के कुक करूँगी तब तक जब तक इसका कलर अच्छा नहीं हो जाता और घी अलग से दिखना शुरू नहीं हो जाता। ये जो हलवा है ये बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आटे का हलवा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें लम्ब्स आ जाते हैं, पर वो मुझे ज़्यादा डिलिशियस लगता है इससे ज़्यादा। पर ये सूजी का हलवा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ यही बनाना पड़ता है। वैसे हम हलवे के इतने ज़्यादा फ़ैन नहीं है। दूसरी साइड पर हमारा ये टमाटर का मिक्सचर भी अच्छी तरह हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी एंड सॉल्ट, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल मसाले, कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं करने वाली हूँ मैं। और बस मैं थोड़ा सा अनारदाना पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि खट्टे आलू अच्छे लगते हैं हमें। वैसे आप दही भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, पर मेक श्योर करें कि जब दही ऐड करना है तड़के को थोड़ा ठंडा होने दें एंड गैस से हटा लें, नहीं तो दही फट जाता है। सो यहाँ अनारदाना ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी, देन इसमें हम डाल देंगे पोटैटो का मिक्सचर। और दूसरी साइड पे हमारे यहाँ सूजी का मिक्सचर भी ऑलमोस्ट हो रहा है,
उसमें हम डालेंगे, वंस उसका कलर अच्छा हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी नट्स एंड देन शुगर। वैसे शुगर की आप अलग से चाशनी बना के भी डाल सकते हैं, जो भी पानी ऐड करना उसको चाशनी बना लें, पर हमारी जो शुगर है वो पाउडर्ड है तो एनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर अगर आप दानेदार शुगर डालना चाहते हैं तो उसको चाशनी बना लें तो अच्छा रहेगा। अब आलूओं को हम स्लो कुक होने देंगे अच्छी तरह वो मिल जाए मसाले के साथ। और यहाँ पे हम हलवे में डाल रहे हैं नट्स, इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, उसी के साथ हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। और वो पार्ट मिस हो गया क्योंकि फोन कैमरा बंद हो गया था। अब मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और हलवा हमारा तैयार है। अब मैं रखने वाली हूँ कढ़ाई पूरी के लिए और पूरियाँ तल लेंगे हम। हिम्मत को भी ये आलू पूरी बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली हिम्मत को चने ज़्यादा देन हम पूरियाँ बना के हमारा मील ऑलमोस्ट तैयार है। अब देखें कि पूरी कितनी ज़्यादा अच्छी बनती है इस आटे के साथ। अगर आप पतले आटे के साथ बनाते हैं तो मज़ा नहीं आता। सो यस, अब ज़रूर ट्राई करना है ऐसे पूरी बनाने की। दोस्तों आलू पूरी खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कुकी चढ़ गई है। कुकी चढ़ने का मतलब है कि आपको नींद आ जाती है, लाइक सुस्त हो जाते हैं बहुत सारा आराम करने के बाद और कुछ खास नहीं करने के बाद, बहुत सारा आराम करने के बाद। अब है तैयार होने का। तैयार होने के बाद हम हमारे रिचुअल्स करेंगे दिवाली वाले, जो मुझे नहीं लगता मैं शूट करूँगी, एंड देन हम देखते हैं क्या करते हैं। सो यस, फ़िलहाल के लिए यही प्लान है। हमारे रिचुअल्स को फिनिश करने के बाद अब समय आता है थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करने का। हमने कोशिश की थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करने की पर हिम्मत ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्योंकि वो हमारा साथ नहीं दे रहा था। पर फाइनली आई थिंक हम सक्सेस हो गए कुछ 2-4 फोटोज़ के लिए। वीडियो बनाती हो आप पा देनी मैं थोड़ी इन्ने जेडे चा चढ़ते ऑलरेडी। दोस्तों तो मैंने कैंडल्स जलाई थी और हिम्मत ने बंद कर दिया। पता नहीं हिम्मत को क्या प्रॉब्लम है, वो कई बार है ना बहुत परेशान कर देता है। सो दोबारा करेंगे हम। मी यू वांट टू डू इट नाउ। ऑलराइट दोस्तों, तो डिनर के लिए हम खाने वाले हैं चिकन बिरयानी, जो मैंने आज नहीं बनाई है, कल बनाई थी। वो आप किसी फ्यूचर में आने वाले व्लॉग में क्लिप्स देखेंगे। और इसी से हमने हमारा डिनर किया क्योंकि सुबह हमने जो लंच ब्रंच किया था वो बहुत हैवी था और ये बिरयानी बहुत डिलिशियस एंड लाइट बनी थी। और इसी से हमने हमारा डिनर कम्प्लीट किया एंड आई लव्ड इट। ओके दोस्तों, तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और हम इस बार पटाखे नहीं चला रहे क्योंकि हम पटाखे लेने के लिए गए नहीं है क्योंकि हमें डर लगता है। तो मैंने देखा कि मेरे पास ये फुल झड़ियाँ हैं 2-4, तो हमने सोचा इसी से सेलिब्रेट करते हैं। यस मिमी, यस। सो डैडी मना कर रहे थे बाहर आने के लिए पर हम उन्हें ज़बरदस्ती लेके आए हैं। मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली। रच के रुलाया, रच के हंसाया, मैंने दिल खो के एक
इश्क कमाया मुसलसल नजर बरसती रही तरसते हैं हम भीगे बरसात में हो एक मुलाकात आंखें मेरी हर जगह हमने हमारी दिवाली कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और हैप्पी दिवाली दोस्तों। दैट्स इट, आई लव यू गाइस सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, लाइक करना। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों का ब्यूटीफुल दिवाली। बोलो बोलो हैप्पी दिवाली गाइस। या दोस्तों हैप्पी दिवाली। I love you, I love you, I love you, I love you.